अगली खबर में, जहां पर जबलपुर की सिहोरा विधानसभा में युवा प्रत्याशी को मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनकर खड़ा किया है। जिला पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एकता बड़ा चेहरा बन गई थी। 2023 विधानसभा चुनाव की जंग में एकता का मुकाबला भाजपा विधायक नंदनी मरावी के साथ है। जहां सिहोरा से एक युवा चेहरा सामने किया है, इस वक्त हमारे साथ युवा चेहरा एकता ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे हम दिल करके जनता के बीच जाएंगे। मैं क्योंकि युवा हूं, शिक्षित युवा हूं, तो मैं चाहती हूं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए जाएं, वहां पे रोजगार के लिए युवा जो है वहां पलायन करता है बहुत ज़्यादा, उसको लेके कार्य किए जाएं। उसके अलावा स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा असुविधाएं हैं, क्योंकि ये कुंडम आदिवासी एक बड़ा ब्लॉक है और आप भी जानते हैं किस तरह से कुपोषण हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चरम पे है वहाँ पे। तो इन सब मुद्दों को लेके मैं वहाँ पे वोटर्स का किस प्रकार से रुझान देखने को मिल रहा है? वोटर्स बदलाव चाहते हैं, युवाओं को उन्होंने मुझे जिला पंचायत सदस्य में भी मौका दिया था, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी भरोसा करेंगे। प्रदेश में क्या लगता है आपको, कांग्रेस की सरकार बिल्कुल बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देख रहे हैं किस प्रकार से इस बार हमारे साथ युवा चेहरा एकता ठाकुर मौजूद रही, जहां उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इस बार डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। न्यूज़ वर्ल्ड के लिए जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।